हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द वेडिंग स्पेशल व्लॉग। अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ फॉर श्योर, बट मैंने अपने बाल को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है। पिछले हल्दी और मेहंदी फंक्शन में प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं हुए थे, जल्दबाजी की वजह से, डीले की वजह से। हमें लगता है कि यार फंक्शन थोड़ा बहुत तो लेट होगा, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम से हो रहा है तो इसीलिए। बट अब मैं टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दी वेडिंग है जिसके लिए सब लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और मैंने इसीलिए बाल स्ट्रेट कर दी है। यहाँ तक कि मैंने दिवांशी के तो हेयर स्टाइल भी बना दिया है, जिससे कोई टेंशन ही ना हो। आराम से कपड़े पहनो, ज्वेलरी पहनो एंड रेडी हो जाओ। अब ब्रेकफास्ट लग चुका है, बट मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा ब्रेकफास्ट खाने का। विद द वेडिंग लुक, और ये रहे पापा। पापा ने पगड़ी लगाई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये है मेरा लुक। वहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा लोग थे। ये है मम्मा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी इस डार्क ग्रे साड़ी में। और ये मेरा लुक था, जो जल्दी जल्दी मैं फटाफट से मैं रेडी हुई हूँ। डांस का एक भी मौका मैं नहीं छोड़ रही थी, हालांकि मुझे बहुत साल बाद ये वेडिंग अटेंड करने को मिली थी। मैं बस ऐसे ही इशारों में बातें कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर पीछे म्यूज़िक बज रहा था तो आप खुद सुनाई नहीं देता। और बार बार अपना लुक दिखा रही हूँ, ये हिमांशी का लुक। यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे, और मस्ती करते करते ये फ्रेम इतना बड़ा होता जा रहा था कि अम्मा जी का एक्साइटमेंट भी मैंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पर अम्मा जी अपने नाती की शादी में खूब डांस कर रही थी, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आ गए दूल्हे राजा, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दूल्हे राजा। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और मैं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी डांस करने का। आप देख रहे हो ना, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। क्योंकि दूल्हे राजा पहली बार, ऑब्वियसली पहली बार घोड़े पर चढ़ रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, और सब उनको वहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली वो अच्छे से सेटल हो गए घोड़ी पर, उनकी शादी जो थी। और उसके बाद उन्होंने आप सब के लिए एक एक्साइटिंग भरा पोज भी किया। अंदर से नर्वस बहुत ज़्यादा थे, बट हाँ, सबके लिए एक्साइटमेंट ज़रूर उनके चेहरे पर आ रहा था। बल्ले बल्ले। घोड़े पर शगुन होने के बाद अब दूल्हे राजा रेडी थे अपनी लग्जरी कार में एंट्री करने के लिए, एकदम लग्जरी एंट्री करने के लिए। और हो भी क्यों ना, ये फेज लाइफ में पहली बार और एक बार ही तो आता है। यहाँ पर मैं मम्मा के साथ अपना फुल लुक आपके साथ शेयर कर रही थी। मम्मा को नहीं पता था कि ये वीडियो बन रही है, उन्हें लगा फोटो बन रही है, तो वो बड़े आराम से पोज कर रही थी। लहंगे के नीचे तो नहीं पता लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। अब फाइनली बारात अच्छे से लड़की वालों से स्वागत करवा कर पहुँच चुकी थी वेन्यू पर। और वेन्यू पर पहुँचते ही मैंने आपको दिखा दिया लक्ष्य का लुक। वैसे तो पहले भी दिखाया था, बट लक्ष्य बहुत शर्माता है। पापा दिवान जी, अब बारात आ चुकी है, तू
बूढ़े राजा यानी कि हमारे भैया श्री। वैसे तो वेडिंग्स में कोई भी फ्रूट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, फ्रूट्स मानो ऐसे छुप जाते हैं जैसे कि कभी उन्हें देखा ही नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हम फ्रूट्स इंजॉय कर रहे थे। सोचिए, एक तो फीवर भी था और ऊपर से फ्रूट्स को हम इस तरह से लोनली फील तो नहीं कराने देते। एंड पता है आपको गाइस कि वहाँ पर मेरा फेवरेट साउथ इंडियन डिशेस का स्टॉल भी था, जो कि मैंने एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील माय फुल लुक। वैसे मैंने मामा के साथ पोस्ट करते करते भी आपको दिखाई दिया था, बट आप सबके लिए स्पेशली छोटा सा क्लिप। एंड नाउ इट्स द वेडिंग मोमेंट, जहाँ पर भाई और भाभी की जयमाल हुई और जयमाल के टाइम पर उनके चेहरे पर स्माइल दिखने लायक थी। हालांकि इस वाइट फ्रेम में वो दिख नहीं रही है, बट यू कैन फील द फीलिंग। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फोटो शूट विद दुल्हा एंड दुल्हन न्यू पेयर। वी आर गोइंग ऑन स्टेज विद पापा मम्मी देवांशी में लाज। आप सबके लिए मैंने वहाँ की वेडिंग फोटोग्राफर को अपना पर्सनल फोटोग्राफर बना दिया था, जिसको मैंने अपना फ़ोन पकड़ाया ये छोटा सा प्यारा सा फुल फैमिली फ्रेम रिकॉर्ड करने के लिए। पिक्चर्स का पता नहीं था ना कब आएंगी। बुआ जी का स्वैग, ठंड में ऐसे ही काम चलता है। फरी तो आराम से ऐसे ही कपड़े पहने जिसमें ठंड लगेगी नहीं। है फरी इनर भी पहने ना? हाँ, और इनर के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर इनर के ऊपर कुर्ता। ठंड घुसने के कई और चांसेस ही नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। तो गाइस फाइनली लाइक जयमाल हो चुकी है एंड उसके बाद अब बाहर डिनर चल रहा है दूल्हा एंड दुल्हन का, और यहाँ पे बहुत ठंड हो गई थी इसीलिए मैं चेंज करने आ गई हूँ। तो अब फेरे के लिए फटाफट से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है ये सारे। आपको कैसा लगा मेरा ये आउटफिट, जो मैंने स्पेशली आपका लाइक सजेशन जानने के लिए आपसे शेयर किया, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। द ज्वेलरी एवरीथिंग, द ब्लाउज, ज्वेलरी, लहंगा मैंने आपको दिखाया जितना भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं दिखा सकती थी। मेरा हेयर स्टाइल ये मैंने खुद बनाया है, यू कैन सी दीज आर द बिंदीज, जो स्टोन बिंदीज होती हैं उनको करके मैंने इसको ये लुक दिया है। तो अब आप बताइए मुझे कि कैसा लगा, ज़रूर सजेशन में। लेट्स गेट रेडी फॉर द फेरे, थकान बहुत हो चुकी है और कल मुझे निकाला है वापस से घर के लिए यानी कि दिल्ली के लिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अरण बा। क्या करके आए हो ऐसे छोड़ के? आईफोन तो नहीं लगा सासू जी के चरणों में मेरा सादा एक ही होता है। वो सही कर लेंगे ऐसे हल्का हाथ से कंटिन्यूटी में थोड़ी सी अंगूठी वैसे है ना, वो गड्ढेदार नहीं है, नाक की तरफ से कर लेते बेटा। नहीं तो वो एक ही है, वो एक ही है, वो बस बस यहीं पर हाथ लगा बेटे पर सवाल और मुझे पहन लो, और ये सिंदूर 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 कहाँ थोड़ा सा लगा दीजिए मैया का सिंदूर। अच्छा अच्छा ले लो बेटा, इस उसी से लिक्विड वाला है। हाँ थोड़ा सा लगा के कोई बात नहीं, चला दो बस, ऐसे ही चला दो इसे, तो ऐसे ऐसे चला ऐसे यहाँ लगा दो पता लग गया बेटा लंबा। फेरे और सिंदूर भराई की सारी वीडियोस का क्रेडिट डायरेक्टली मेरी छोटू सी प्यारी सी बहना देवांशी को जाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली में जो मैंने आपको बताया कि मैं फेरे के लिए रेडी होने वाली, मैं फेरे के लिए रेडी हुई थी, बट फीवर इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद मैं सो गई। मैंने बहुत बार सोना आवाज़ें भी सुनी, सोचा भी उठने का, बट हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे को निकलना था
नेक्स्ट दिन दिल्ली के लिए. सो थैंक यू देवांशी फॉर ऑल द ब्यूटिफुल एंड इमोशनल मोमेंट्स, जिससे कि मेरा व्लॉग भी कंप्लीट होता है और ये वेडिंग रिचुअल्स भी. तो आई होप आप सबको ये वेडिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा. यहाँ दुल्हन यानी कि मेरी भाभी की आँखों में आंसू थे और हाँ, ये मोमेंट्स देखते वक्त मेरी भी आँखें भर आई. सो बाय एवरीवन.